नमस्कार, मैं अपर्णा और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल। बिहार प्रभारी आफताब रोशन लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे, सभी 141 सांसदों का निलंबन वापस लो के नारे के साथ बेतिया जिला गूंज उठा। इंडिया गठबंधन के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत 141 सांसदों का निलंबन वापस लेने को लेकर बेतिया पश्चिम चंपारण में विरोध दिवस। वहीं भाकपा माले के सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। राजद के वरिष्ठ नेता महिला जिला अध्यक्ष एवं 20 सूत्री के सदस्य शकुंतला देवी ने क्या कहा, आइए देखते हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से एक रिपोर्ट। ये आग्रह करते हैं, आप सभी लोग सचेत रहिए, ये जिस तरह से रावण सीता को हरण करने के लिए राम नामा ओढ़ के आया था, उसी तरह से भाजपा भी राम नामा ओढ़ करके भारत माता का हरण करने के लिए आई है और पूरे देश का अपहरण कर रहा है। लोग इसलिए इससे सचेत होकर के काम करना है। इसीलिए साथियों, हम इन्हीं दो शब्दों के साथ अपने वाक्य को विराम देते हैं। जय हिंद, जय जनता दल यू, जय महागठबंधन। ये जो रैली थी गठबंधन का, इसके विषय में आप क्या बताना चाहती हैं, क्या चीज़ का रैली था ये? आज का यही उद्देश्य था कि जो सांसद में हमारे सांसद लोगों के साथ 142 सांसद को हमको निलंबित किया गया है, उसके विरोध में हमारे महागठबंधन के सारी महिलाएं और हमारे सारी नेतागण मिलकर हम लोग विरोध करते हैं कि ऐसा सरकार के रहते हुए हमारे महिलाओं के साथ जो गंदे गंदे हरकते होते हैं, हमारे बेटियों के साथ जो बलात्कार होती है, ये होना नहीं चाहिए। हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारे महिलाएं, हमारे बहनें, हमारे माताएं। आज की बैठक के बारे में आप, आज ये रैली के बारे में क्या बताना चाहते हैं समाज को? आज पूरा इंडिया महागठबंधन, मतलब पूरा देश, पूरे देश के किसान, मजदूर, छात्र, युवा, महिलाएं और एक एक आम आदमी, बुद्धिजीवी, पूरा देश आज सड़कों पर है मोदी सरकार की पूरी हिटलरशाही के खिलाफ। अभी 13 दिसंबर की जो घटना हुई, जिसमें धुआं बम छोड़ने की बात आई संसद में, उसके सवाल जो हैं कि कैसे वहां धुआं बम छूटा, कैसे देश की संसद की जो सुरक्षा है वो खतरे में है, इसका जवाब जब लोग मांग रहे हैं ये अमित शाह से, ये देश के गृह मंत्री से, तो इस सवाल को पूछने के चलते संसद से उनका निलंबन किया गया है 144 सांसदों का। आज तक ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि संसद में सवाल पूछने के चलते किसी को निलंबित किया जाए। दूसरी बात, ये मोदी की सरकार चुनाव आयोग की जो संरचना है उसको बदल करके, उसने पूरे संविधान में संशोधन करके उसने एक नया कानून बनाया, जिसमें बहुमत में चुनाव आयोग के गठन के समय बहुमत में बीजेपी के लोग रहेंगे। आप सोच सकते हैं कि वो कैसा चुनाव आयोग होगा, वो कैसा चुनाव होगा। कुल मिला करके ये पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करने की जो लोकतंत्र की बुनियादी बात है, संसद और चुनाव दोनों पर ज़बरदस्त हमला उन्होंने किया है और उसकी जो बुनियाद है संविधान, उसको रोज़ रोज़ वो बदल रहे हैं। पूरे तौर पे जनता के जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हैं, मजदूरों के, किसानों के, छात्रों के, वकीलों के, पत्रकारों के, बुद्धिजीवियों के, एक एक आम नागरिक के, उन अधिकारों पर रोज़ ब रोज़ मोदी सरकार तरह तरह के कानून बना के हमले कर रही है और इस तरह से पूरा देश अभूतपूर्व संकट में है। इसके खिलाफ, इस संकट के खिलाफ देश को बचाने के लिए पूरे देश की जनता इंडिया महागठबंधन के रूप में उसके बैनर से सड़कों पर खड़ी है, आज आंदोलन में है और देश को बचाने का संकल्प ले रहे हैं। और आज जो पूरे देश का नज़ारा है, ये बात साबित कर रहा है कि 2024 में मोदी सरकार को जाना होगा और पूरे तौर पे देश बचेगा, संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, पूरा यहाँ की संसदीय तमाम परंपराएं बचेगी, चुनाव आयोग बचेगा। इसके लिए आज ज़बरदस्त लोगों ने आंदोलन में अपनी शिरकत की है। इसके लिए हम इंडिया महागठबंधन की ओर से, भाकपा माले की ओर से तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं आज का आंदोलन।
भारत के संविधान का, भारत के संसद को बचाने के लिए हमारे पश्चिमी चंपारण के इंडिया गठबंधन के हमारे सारे साथी कांग्रेस, जदयू, आरजेडी, माले, सीपीआई, सीपीएम, हमारे सभी साथियों ने आज दिन भर विरोध दिवस में कम समय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपलब्ध होकर एक पैगाम दिया है इस जिले में कि भारत के इस भाजपा के हमारे जो इस जिले के हों, चाहे प्रदेश के हों, चाहे केंद्र के हों, तुम भारत के संविधान को नहीं नाश कर सकते, नहीं तोड़ सकते, नहीं बर्दाश्त कर सकते। कांग्रेस और इंडिया के जो गठबंधन के हमारे साथी हैं, इस निर्णय के खिलाफ 150 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया, निष्कासित किया गया, उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। अगर भाजपा नहीं मानेगी, भारत के संविधान के साथ खेलेगी, भारत के न्यायालय के साथ खेलेगी, भारत के कानून के साथ खेलेगी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, जब भाजपा सरकार में नहीं आई थी तो पूरे आवाम को, जनता को लालच दी थी कि आपके खाते में 12 लाख जाएंगे। बाद में अमित शाह ने कहा कि जुमला है। अभी राजस्थान के चुनाव में वहाँ के कांग्रेस बुलंद इतना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तस्वीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनांक 22 दिसंबर इंडिया गठबंधन के सभी साथी इस सभा में उपस्थित, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जनाब भरत भूषण दुबे जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष साहेब अंसारी जी, मंच आसीन सुरैया साहब जी, बड़े भाई पोली भाई, दोस्त नीतीश जफर इंसारी और संपूर्ण दल से आए हुए सभी कार्यकर्तागण, पत्रकारीगण का, मैं राष्ट्रीय जनता दल से अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष सादिक खान तहे दिल से हाथी इस्तकबाल और सलाम करता हूँ। दोस्तों, हालात इस मुल्क में ऐसे हैं कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपको आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। आज आपको मालूम होगा कि हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, और आज इकट्ठा होकर ये साबित करनी हमें कि हम लोकतंत्र के रखवाले हैं। कल इतिहास के पन्नों पे जब जनता हमसे सवाल करेगी, जब लोकतंत्र में खतरा था तो आप अपने घरों में बैठे क्यों थे, तब हम उस इतिहास के पन्ने में खुल के चिल्ला के कहेंगे, जब हमारे देश के संविधान पे खतरा आया तो हम सड़कों पर उतरने वाले महागठबंधन के लोग हैं, हम देश की हिफाजत करने वाले महागठबंधन के लोग हैं। आप सबको मालूम होगा कि जो लोग निलंबित किए गए हैं उनका कसूर यही था कि लोकतंत्र के इस मंदिर में उन्होंने अपनी जो जवाबदेही सरकार से मांगी। कानून है ये, कहां का इंसाफ है कि लोकतंत्र में खुलकर अपने हक की निलंबित किया जाता है। अहंकार पे जो चिल्ले इलाही बैठे हैं, जिन्हें जनता के आवाज से तकलीफ होती है, इस ताकत दिखाएं, हम आपको अपनी संविधान की ताकत दिखाएंगे, हम आपको संविधान की ताकत दिखाएंगे। महागठबंधन के साथियों, वक्त आ गया है कि आपको जरूरत है, आपकी देश को जरूरत है, आपकी लोकतंत्र की बचाने की जरूरत है आपकी। तमाम महागठबंधन के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप कमर कस ले आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा कि भाजपा का। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, संपूर्ण नेतागण से एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग निलंबित हुए हैं
उन्होंने कोई चांद का टुकड़ा नहीं मांगा था, उन्होंने कोई देश नहीं मांगा था, उन्होंने कोई राज्य नहीं मांगा था, उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता का इंसाफ मांगा था, जिसे उन्हें निलंबित कर दिया गया। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ।